अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 16 है और उसमें हमने अपनी एग्जांपल एक स्टडी करनी है. शो दैट एन ओपन बॉल इन अ रियल लाइन आर इज एन ओपन इंटरवल. तो हमने सिंपली क्या शो करना है कि जो हमारे पास ओपन बॉल होती है रियल लाइन पे, ठीक है, रियल लाइन पर जो ओपन बॉल होती है इज एन ओपन इंटरवल, वो एक ओपन इंटरवल होता है. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. उससे पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में सबसे पहले अपडेट मिल सके. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले स्टूडेंट्स जो बात हमें गिवन है कि रियल लाइन पर मीट्रिक क्या है, हमारे पास रियल लाइन पर मीट्रिक है. तो हमें पता है स्टूडेंट्स द मीट्रिक ऑन रियल लाइन क्या होता है, वो यूजुअल मीट्रिक होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मीट्रिक ऑन रियल लाइन, द मीट्रिक ऑन रियल लाइन आर इज डिफाइंड एज जो रियल लाइन पर मैट्रिक होता है वो एक यूजुअल मैट्रिक होता है. और यूजुअल मैट्रिक को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स टू वाई यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कहाँ से करते हैं, रियल लाइन में से, आर में से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया. तो सबसे पहले जो बात हमें गिवन थी कि रियल लाइन पे मीट्रिक ओपन इंटरवल है, तो हमने रियल लाइन पे जो मीट्रिक होता है उसको यहाँ पे लिख दिया. दूसरी चीज ओपन बॉल. अब हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने अपनी डेफिनेशन में सीखा ओपन बॉल, तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्स नोड यानी कि सेंटर एक पॉइंट होना चाहिए, फिर रेडियस होना चाहिए, ठीक है. तो लिहाजा हम ओपन बॉल है हमारे पास, तो हम लेट कर लेते हैं. हमने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा लेट एक्स नोड क्या है, बी द सेंटर, एक्स नोड बी द सेंटर एंड जो आर है वो क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, बी द रेडियस. और इसको हम क्या कहते हैं आर को, बी द रेडियस, ये क्या है हमारा रेडियस है ऑफ एन ओपन बॉल, ओपन बॉल का, ठीक है स्टूडेंट्स, इन रियल लाइन आर पर. देन हमें पता है फिर हमारी बॉल किस तरह की होगी, जो हमने हम किससे डिनोट करते हैं बॉल को, हम डिनोट करेंगे बी एक्स नॉट सेमीकोलन आर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास सेट होता है. ये किस तरह का सेट होता है, हम एक पॉइंट फर्ज कर लेते हैं एक्स जो के बिलोंग करता है हमारे मीट्रिक में से, और यहाँ पे मीट्रिक हमें गिवन है, हमारा मीट्रिक क्या है आर है. तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो बिलोंग करेगा आर में से, सच दैट हमने डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट का यानी कि एक्स का बॉल के सेंटर से यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से, जिसका जो है वो रेडियस जो डिस्टेंस है एक्स टू एक्स नॉट और लेस देन किससे रहता है वो आर के, ठीक है. तो ये हमने जो अपनी डेफिनेशन बॉल की पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज अब हमें पता है डिस्टेंस ऑफ एक्स टू एक्स नॉट किसके इक्वल होगा, चूंकि मीट्रिक रियल लाइन है, हमने ऊपर बताया भी है कि ये मॉडुलस होता है x माइनस वाई का, तो हम इसकी जगह पे फिर अपना यूजुअल मैट्रिक रख लेते हैं. दिस इम्प्लाइज बॉल है हमारी x नॉट r, सेंटर x नॉट है, रेडियस r है, सेट है x बिलोंग करता है r में से, और सच दैट ये डिस्टेंस किस तरह का है x माइनस एक्स नॉड और मॉडुलस लेस देन r, ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद हम इस मॉडुलस को रिमूव कर देते हैं. जब मॉडुलस हम खत्म करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r आएगा नेगेटिव r लेस देन x माइनस x नॉट और ग्रेट सॉरी ये पॉजिटिव। मॉडुलस जब रिमूव किया तो r एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, ठीक है, ये मॉडुलस जब हम खत्म करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम थ्रू आउट x नॉट को ऐड कर देते हैं बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हम यहां से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम थ्रू आउट बोथ साइड क्या करेंगे, x नोड को ऐड कर देंगे। तो देखें x बिलोंग्स टू r सच दैट x नोड माइनस r और x एंड ये जो x लेस देन है x नोड प्लस r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक इंटरवल की फॉर्म बन गई, x जो है बड़ा है किससे बड़ा है, इससे x नॉट माइनस r से, और लेस किससे है x नॉट प्लस r से, ये एक इंटरवल बन गया। तो सिंपली स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ये जो बॉल है हमारी जिसका सेंटर x नॉट है रेडियस r है, ये किसके बराबर है, इंटरवल की फॉर्म में ओपन इंटरवल बनता है हमारे पास, ठीक है। तो x नॉड माइनस r और x नॉड प्लस r ये एक इंटरवल बन गया। तो जो चीज हमने प्रूफ करनी थी वो यहाँ पे सिंपल सा हमने देखा प्रूफ हो चुकी है कि ओपन बॉल जो होती है रियल लाइन पर, ठीक है स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, ये रियल लाइन की बात हो रही है कि रियल लाइन पर ओपन इंटरवल होता है। अगर मीट्रिक यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो ये लाजमी ये हमेशा ओपन इंटरवल नहीं रहेगा, ये सिर्फ रियल लाइन के लिए है कि रियल लाइन पे जो ओपन बॉल होती है वो ओपन इंटरवल होती है। तो अब यहाँ पे हम बता देते हैं विच इज ये जो हमने प्रूफ किया है ये क्या शो कर रहा है, विच इज एन ओपन इंटरवल, ये एक ओपन इंटरवल है of length to r, of length to r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।